पिशावर के इलाके बहादुर कले में बनाया जाने वाला पुल 1.5 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल ना हुआ। पुल की तामीर 4 माह में मुकम्मल होना थी। जानते हैं रहम यूसुफ जी से, रहम क्या मामला है, पुल की तामीर में ताखीर का सामना क्यों है? बिल्कुल, तकरीबन 1.5 साल पहले यहाँ पे सैलाबी रेले से जो ये पुल बह गया था, जिसको बाड़ा पुल कहते हैं, जो कि कोआड रोड से बिल्कुल लिंक है, और ये पिशावर के तकरीबन 6 से 7 गांव यहाँ से पिशावर से इससे मुंसलिक होते हैं। ठेकेदारों में यहाँ पे तकरीबन 3 ठेकेदार अब तक इस पुल के ठेके से यहाँ से वो जा चुके हैं और 3 ठेकेदारों के ये तब्दील हो चुके हैं। ताहम इस बार जो ठेकेदार ये काम लिया हुआ है उसके मुताबिक ये पुल जो है इस पर 4 महीनों में काम पूरा हो जाए, लेकिन यहाँ के अवाम को शदीद मुश्किल का सामना है। 4 महीनों में काम जो है वो तकरीबन 1.5 साल में भी पूरा नहीं, और अभी मजीद यहाँ पे 4 से 6 महीने लग सकते हैं। तकरीबन पुल का जो मेन जो लोकेशन है वो बाड़ा पुल के इलाके और यहाँ पे कोआट रोड से ये मुंसलिक इलाका है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा आवाम को शिकायत है, सिर्फ साइकिल और मोटरसाइकिल इस पुल के जरिए जा सकते हैं पिशावर सिटी की जरूरत। तहम यहाँ पे जितने भी मरीज है वो लिंक रोड और रिंग रोड का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत दूर पड़ते हैं पिशावर के अस्पतालों से भी और पिशावर के तालीमी इदारों से भी। यहाँ के आवाम को इंतहाई शदीद मुतालबात ये है कि कह रहे हैं कि बकरा ईद से पहले ये पुल तामीर जाए, नहीं तो इसके बाद हम यहाँ पे इत्तेजाज के लिए निकल आएंगे, क्योंकि 4 महीने के काम 2 साल में किस तरह पूरा नहीं होता। 3 ठेकेदार अभी तक इस पुल पे तब्दील हो चुके हैं, और अभी जो ये पुल है इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास है, जो उन्होंने प्राइवेट फर्म को दिए हुए हैं, और इनका मुतालबा है कि हम इंशाल्लाह 3 से 4 महीनों में ये पुल पूरा करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है आवाम शदीद मुश्किलात में है और काफी तकलीफ के साथ यहाँ पे आवाम का गुजर बसर, और यहाँ पे जो लोग हैं इनकी ट्रांसपोर्ट के लिए सिर्फ बाईसाइकिल। सही, शुक्रिया राहम यूसुफ जई।